call me Pooja ma'am. Do you know maths? Maths is the subject of numbers, shapes, size. Okay. Do you know how many numbers in the maths? There is no limits of numbers. Like English mein hamare paas kitne alphabets hote hain? 26 alphabets. In Hindi we have swar, vyanjan. But in maths there is no limits to number. 1, 10, 50, 100, 500, 1000, lakh, crores. There is lots of number. But sabse important numbers hote hain 1 to 10. यदि 1 टू 10 आपने अच्छे से लर्न किया, रिकॉग्नाइज किया, तो आप आगे तक की भी गिनती आराम से काउंट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं. ठीक है, तो कैसे काउंट करना है, कैसे रिकॉग्नाइज करना है नंबर, ये हम आज सीखेंगे. ओके, व्हेनेवर यू काउंट एंड रिकॉग्नाइज नंबर, होल्ड वन पेंसिल इन योर हैंड. ओके, सो क्या होगा, जब हम नंबर्स काउंट करेंगे तो हमारे पास पेंसिल होगा, तो हम उसको टिक करते रहेंगे, तो ईजी होगा. लाइक नंबर 1 टाइगर, नंबर 2 देयर इज 2 फ्लावर्स, 3 हाउ मेनी इंसेक्ट्स, 3 इंसेक्ट्स, 4 हाउ मेनी फिश, देयर आर 4 फिश, 5 नंबर 5 5 हाउ मेनी बटरफ्लाई, 5 butterfly. Now number 6, 6 birds, 7, 7 fruits. Do you like fruits? Yes, healthy fruits. Number 8, 8. Understood? Ma'am कैसे काउंट कर रही है, पेंसिल को ऐसे 1 by 1 रखकर पेंसिल से काउंट करना है. आपको भी ऐसे ही काउंट करना है, जब भी आप काउंट करेंगे ना नंबर्स, तो ऐसे ही पेंसिल रख रख के काउंट करेंगे, तो आपका नंबर काउंटिंग हमेशा सही होगा. ओके, नंबर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देयर इज 9 वेजिटेबल्स. नंबर 1 0 10, हमेशा हमको क्या बोलना है, 1 0 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 0 10. तो ऐसे करके हम नंबर्स को रिकॉग्नाइज करेंगे एंड काउंट करेंगे. ओके, नाउ आई हैव वन गेम फॉर यू. ये गेम आप अपने घर पर खेलेंगे अपनी मम्मा डैडी की हेल्प के साथ में. ओके, नाउ आई टेल यू वन गेम. ये 1 से 10 तक के नंबर्स हैं जो मैंने लिखे हुए, और ये बाउल्स है. अभी हम क्या करेंगे, नंबर 1, तो इसमें कितने नंबर, कितने चना डालेंगे, 1. नंबर क्या नंबर है ये, व्हाट इज नंबर, नंबर 2, तो 1 2. नंबर 3, तो 1 2 3. देखो इसमें ओनली 1 है, इसमें कितना है, 2, तो मतलब नंबर 2 बिगर है नंबर 1 से. इसमें कितने हैं, 3, 1 2 3, मतलब नंबर 3 इज ऑल्सो बिगर देन नंबर 1 एंड ऑल्सो बिगर देन नंबर 2. नंबर 4, 1 2 3 4. नंबर 5, 1 2 3 4 5. नंबर 6, 1 2 3 4 5 6. नाउ नंबर इज 7, तो हम इसमें कितने चने डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7. वाह, इसमें तो बहुत सारे हैं, इसमें थोड़े से कम है, इसमें भी थोड़े से कम है. मतलब जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ती जाती है, नंबर बढ़ते जाते हैं. सबसे स्मॉल नंबर है 1, देन फिर उससे बड़ा 2, फिर 3, फिर 4, देन फिर 5, फिर 6, फिर 7. ऐसे ऐसे नंबर बढ़ते जा रहे हैं. अभी नंबर क्या है हमारे पास, 8 नंबर, तो इसमें हम कितने चने डालेंगे, 8. 1 2 3
four, five, six, seven, eight. Number nine. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Now last number is our 10. टेन. तो इसमें कितना चने डालेंगे? टेन. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. तो देखो अभी तो इसमें सबसे ज्यादा नंबर है और इसमें सबसे कम. तो मतलब नंबर वन इज स्मॉलर नंबर एंड नंबर टेन इज बिगेस्ट नंबर. ओके, नाउ वी लर्न सेम थिंग्स एंड डिफरेंट थिंग्स. What is the meaning of same thing? Same things मतलब same same जो size में, color में, रंग में, same एक जैसी दिखती है उसको हम क्या बोलेंगे? Same things. But जो अलग है, जो different दिखती है look में, size में, छोटा, बड़ा, पतला, मोटा, color change है, तो वो क्या हो गया? Different things हो गया. I have some examples for you. Bowls. There are same bowls? Yes. Both are same. Looking same, size same, color same, both are same size. Okay, same bowl. I have two cups. Same hai? Dono same hai? Okay. Now I have two bigger cups. Both are same. Okay. But if I compare this cup, both are same? No, this is a small cup and this is big cup. Small matlab chota sa. स्मॉल मतलब छोटा और बिग मतलब बड़ा. ओके, नाउ आई हैव टू ग्लास. स्मॉल ग्लास और बिग ग्लास सेम है, कलर सेम है, डिजाइन सेम है, बट साइज डिफरेंट है. एक छोटा है और एक बड़ा है. ओके, नाउ आई हैव टू बाइक्स. बोथ आर सेम. यू लाइक बाइक्स? यस. बट इफ आई कंपेयर दिस बाइक टू this bike, both are same? No, this is bigger than this. This is smaller bike or this is bigger bike. Okay, so you have to, what you do? Practice. Maths is the subject of practice, lots of practice. आपको घर पे बहुत सारे practice करनी है और 1 to 10 आपको रोज पढ़ना है और रोज लिखना है और बोल बोल के. जब भी आप लिखेंगे ना तो बोल बोल के लिखेंगे 1 2 3. तो उससे क्या होगा, जब आप लिखेंगे तो आपके कान में आवाज आएगी और आपका माइंड को सुनाई देगा, तो आपको रिकॉग्नाइजेशन एंड लर्न बहुत अच्छे से होगा. ओके,